ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट एक्स यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है 9 माइनस एक्स के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एक्स के इज क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 9. एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. बट यहाँ पर x को कितना ले रहा है, माइनस 3 वाले रीजन में नहीं जाएगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 है एंड x इज लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है. एंड y यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मींस y पॉजिटिव या 0 मींस y इज ए नॉन नेगेटिव. सो कंप्लीट ये इक्वेशन आपकी सर्कल की बनती है. लेकिन हमें सर्कल की वो इक्वेशन, सर्कल का वो पार्ट लेना है जिसमें आप कंबाइंड इंटीग्रल्स को x लेस देन इक्वल टू 3 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बेसिकली ये आपका सर्कल है बट हमें सर्कल का एक पार्ट लेना है. दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9. इट इज ए सर्कल. एक सर्कल है एंड सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर इज एट 0 0 ओरिजिन पे है एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 3. सो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. आपके पास बेसिकली ये टोटल कंप्लीट सर्कल बनता है. ये सर्कल है बट डार्क पोर्शन इसका जो गिवन ग्राफ गिवन फंक्शन है उसका ग्राफ क्या बनता है आपके पास, दिस इज ये ग्राफ बनता है. मींस विल टेक only first quadrant of the circle and this line is, this is x is equal to, x is equal to 3. This is x is equal to 0 line and required area is this segment. Means required area is shown in the shaded portion. Shaded portion में शो किया है. And this is equal to a and ये किसके इक्वल होगा आपका, अगर आप फंक्शन को y dx 0 to 3 इंटीग्रेट कर दें, you will get the result and this is equal to 0 to 3 and square root of 9 minus x square dx. And इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, x square root of 9 minus x square upon 2 plus, this is 9 by 2 sine inverse x upon 3. Limit 0 to 3. T put करेंगे, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा एंड दिस इज 9 बाई 2 साइन इनवर्स दिस इज 1 एंड माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 9 बाई 2 एंड इनटू पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 4 स्क्वायर रूट दिस इज द एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है आपके पास स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to x minus 2 modulus plus x when x is greater than equal to 2 है and this is x square minus 2 when x is less than when x is less than. दो कंडीशन है इसका ग्राफ एंड इवेलुएट
इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है, दिस इज ये आपका लिमिट है इसकी, दिस इज 0 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इवेलुएट करना है एंड आपको ये शो करना है, ये बताना है कि ये वैल्यू जो आएगी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड विच वैल्यू ऑफ द ग्राफ। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू दिस इज x माइनस टू माइनस प्लस टू, दिस इज टू, दिस इज टू फॉर x ग्रेटर देन x लेस देन एनोई, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू टू है, तो यहां पर x माइनस टू मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा आपका माइनस x माइनस एंड x माइनस टू मॉडुलस विल बी x माइनस टू इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, बट इसकी जरूरत नहीं है, हम इस केस में कंसीडर कर रहे हैं x लेस देन इक्वल टू है तो मॉडुलस माइनस x माइनस टू आएगा, तो यहां पर ये वैल्यू रख दी एंड दिस इज x के माइनस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन टू। सो क्या इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज फॉर माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू टू एंड x ग्रेटर देन टू है then x square minus 2. So इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, when x is less than equal to 2, y is equal to 4 minus x, it is a straight line, ये एक straight line है, slope इसका minus 1 है, and x अगर 0 है, आपके पास x एंड y, x 0 है तो y 4 एंड y 0 है then x is equal to 4. So आपके पास ये ग्राफ है, बट ग्राफ आपको x की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए, एट x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 2. So आपके पास this is, ये आपके पास 0 और 4 है, this is 2 and 2, this is 2 2 4, ये ग्राफ, this is the graph. But second case लेते हैं, when x is greater than 2, y is equal to x square minus 2 and it is a parabola vertex at 0, 0, sorry, vertex at 0, minus 2. Total ये graph है, हम x greater than equal to 2 अकेले के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल ये graph किसको represent करेगा, उस parabola को जिसमें आपका vertex कहाँ रखेंगे 0, minus 2 के ऊपर, and when x is equal to 2 है, then y is also equal to 2, okay, 2 square minus 2, this is equal to 2. So, आपके पास ये क्वेश्चन होगा, ऐसे पैराबोला ड्रा कर सकते हैं आप, दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्राफ हम तभी लेंगे जब x ग्रेटर देन 2 है। सो आपके पास दिस क्वेश्चन और पैराबोला इज विल बी कंसीडर एंड यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन from x is equal to 0 line, this is x is equal to 0 line and this is x is equal to 4, x is equal to 4. अगर आप integration 0 to 4 करने हैं, it means area under the curve, find up under the area under the curve निकालेंगे जब x कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 4, ये कौन सी लाइन है, this is ordinate x is equal to 2. So limit 0 to 4 x, this is y dx, y dx, this is equal to 2 ke upar
तो के लेफ्ट और राइट में फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड है, सो इसकी लिमिट ब्रेक कर देंगे 0 टू 2 पीस वाइज इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx + 2 से लेकर के 4 एंड दिस इज y dx, y dx दिस इज इक्वल टू, अगर आपके पास 0 टू 2 लिमिट है तो फंक्शन क्या है आपके पास 4 माइनस x, दिस इज 4 माइनस x dx, एंड अगर लिमिट 2 से 4 है तो आपके पास फंक्शन है दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x dx, 2dx sorry, 2dx इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4x माइनस x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 2 एंड प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस 2x माइनस 2x एंड लिमिट आपके पास 2 से 4 लिमिट रख दो, 2 रखेंगे दिस इज 8 माइनस 4 2 एंड 0 रखेंगे टोटल फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस दिस इज 64 अपॉन 3 एंड माइनस माइनस दिस इज 4 एंड माइनस आ जाएगा आपके पास 8 अपॉन दिस इज 3 एंड प्लस 4, यहां पर माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 6 बचा आपके पास 6 एंड प्लस माइनस 4 से 4 एंड दिस इज आपने यहां लिया 64 बाय 3 माइनस 8, 64 बाय 3 माइनस 8 दिस इज माइनस 8, दिस इज माइनस 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 आएगा सॉरी 4 है, 4 है 8 से 8 कैंसिल हो गया माइनस 4 प्लस 2 सो दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड प्लस 64 माइनस 8 बाय 3, 64 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 दिस इज 56 बाय 3 दिस इज इक्वल टू 62 अपॉन 3 स्क्वायर दिस विल बी दैट माइनस 62 अपॉन 3 स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ स्टेट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 3 मॉडुलस. सो यहां पर इतना क्वेश्चन करते हैं अगर आप टेबल फॉर्म करें दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 3 मॉडुलस, x इज इक्वल टू x और y, x इज इक्वल टू अगर आप लेते हैं माइनस 4 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इस तरह से टेबल. आप रफली इन पॉइंट्स को लोकेट करिए, दिस इज माइनस 4 माइनस 4 एंड 1 दिस पॉइंट एंड माइनस 3 के ऊपर कितना है माइनस 4 यहां है माइनस 4 एंड 0 ये पॉइंट है दिस इज माइनस 4 एंड इसके ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 4 0 ये एंड माइनस 3 और 0 माइनस 3 पे 0 है सो दिस विल बी द ग्राफ एंड x 1 के ऊपर कितना है आपका 4 दिस इज 1 4 x अगर 0 है तो कितना आएगा 3 दिस इज 3 ये ग्राफ है एंड दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू क्या है आपके पास x प्लस 3 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे दिस इज माइनस 4 ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस x एंड दिस इज प्लस माइनस 3 अब ये कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 मॉडुलस dx कहां से कहां लिमिट दे रखी है आपको माइनस 6 टू 0 दिस इज x इज इक्वल टू 0 लाइन एंड दिस इज x इज इक्वल टू अगेन इसको एक्सटेंड कर दो
This is x is equal to minus 16. This is x is equal to 16. Basically हम ये definite integration निकाल करके क्या find out करना चाह रहे हैं? Area under the curve for x is equal to minus 6 से लेकर के x is equal to 0 तक means area bounded by the curve x axis and the ordinate x is equal to minus 6 and x is equal to 0. This will be यहाँ पर x plus 3 का modulus अपना साइन चेंज करता है या डिफरेंटली डिफाइंड होगा माइनस थ्री के लेफ्ट साइड में और माइनस थ्री के राइट साइड में. सो माइनस थ्री पे इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे माइनस सिक्स माइनस थ्री. दिस इज एक्स प्लस थ्री मॉडुलस डी एक्स एंड प्लस माइनस थ्री टू जीरो एक्स प्लस थ्री मॉडुलस डी एक्स. ये हो जाएगा आपके पास क्या, दिस इज माइनस 6 to minus 3 minus x plus 3 dx and plus minus 3 to 0 x plus 3 dx. ये अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं. This is minus x cube by 2 plus dx and limit है इसकी minus 6 to minus 3 and plus x cube by 2 plus dx and इसकी लिमिट है माइनस थ्री टू जीरो. दिस इज माइनस माइनस थ्री टू जीरो. अब ये लिमिट पुट करते हैं क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस माइनस थ्री पुट करेंगे नाइन बाई टू माइनस नाइन एंड माइनस सिक्स पुट करते हैं दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस इज थर्टी सिक्स बाई टू एंड माइनस दिस इज एटी एंड प्लस क्या आ जाएगा प्लस जीरो रखेंगे दिस इज जीरो एंड माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास दिस इज नाइन बाई टू एंड माइनस नाइन माइनस नाइन. सो दिस इज नाइन प्लस नाइन बाई टू हो गया एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज अगेन नाइन बाई टू. सो दिस विल बी नाइन स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द ordinate x is equal to minus 6 and x is equal to minus 3. Next question देखिए NCERT exemplar से है, important question है. ये कहता है कि find the area bounded by the curve, find the area bounded by the curve y square is equal to 4a square into x minus 3 and the lines x is equal to 3 and y is equal to 4 and y is equal to 4a line. So देखिए curve one क्या है, y square is equal to 4a square into x minus 3. It is a parabola. Parabola की equation है ये. Parabola vertex कहाँ पर आएगा, vertex. This is इसको zero put करेंगे x is equal to 3 and y is equal to 0. वर्टेक्स 3 0 पे एंड सिमेट्रिक अबाउट है दिस इज एक्स एक्सिस सो आपके पास ये पैराबोला होगा दिस इज वर्टेक्स आपका 3 3 के ऊपर है एंड सिमेट्रिक अबाउट किसके है एक्स एक्सिस दिस इज द कर्व ये कर्व एंड कर्व सेकंड this is x is equal to 3. It is a straight line parallel to y axis. Straight line parallel to y axis. This is ये आपका 3 और 0 point है. यहीं से pass होगी. This is the line. ये line. This is x is equal to 3. And curve आपका this is curve third
y is equal to 4a line parallel to x axis, x axis के पैरेलल. Let this line is this. ये आपके पास y is equal to 4a. And you have to find the area bounded by the curve. Curve से bounded हो and एक तरफ आपकी ये दो लाइन, एक तरफ x is equal to 3 line and एक तरफ आपकी y is equal to 4. This is the required. This is the required. Required area settled portion में show किया गया है. So required area. This is required area. यहाँ left side में ले लो, ये आ जाएगा आपके पास. Required area. Area shown in the shaded portion. Shaded portion में shaded portion is equal to a मान लिया and किसके इक्वल होगा, area bounded by the parabola y axis and y is equal to 4a. अगर आप ये टोटल एरिया लें, दिस इज ये टोटल एरिया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया बाउंडेड बाई लाइन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 4. ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पोर्शन होगा. इस एरिया को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेमी पोर्शन. सो यहां पर क्या है, फर्स्ट जो एरिया होगा, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू 4a लाइन, किसके इक्वल होगा, 0 टू 4a वाई एक्स पैराबोला. y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x पैराबोला dy माइनस x लाइन dy 0 टू 4a. ये हो गया, दिस इज x पैराबोला. कितना है पैराबोला की इक्वेशन थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इनटू x माइनस 3. तो y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, x. सो दिस विल बी इक्वल टू 0 टू 4a एंड ये आपके पास y स्क्वायर by 4a स्क्वायर प्लस 3 dy एंड माइनस 0 टू 4a एंड x की वैल्यू यहां पर 3 dy. लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाए. दिस इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 4a y स्क्वायर अपॉन दिस इज 4a स्क्वायर dy. दिस इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन 12a स्क्वायर 0 टू दिस इज 4a एंड ये आ जाएगा आपके पास 64a स्क्वायर अपॉन 12 दिस इज a क्यूब upon 12 is k 4 3 and this is 16 a upon 3 इतने scale units. This is answer, इतने scale units कर सकते हैं इसको.
upon b square is equal to 1, a is greater than b है, and इसका total इस कर्व का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए कर्व क्या है आपके पास, गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या है आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज एन इलिप्स, ये इलिप्स है, सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर 0 0 पे है, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिस इज 2a, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज दिस इज 2। सो दिस इज द इलिप्स, आपके पास ये इलिप्स है, सॉरी दिस इज द इलिप्स, ये इलिप्स है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस इलिप्स। ये लाइन आपके पास, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अगर हम क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स। यहां पर देखो राइट साइड में क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल अबाउ x एक्सिस है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। सो गिवन कर्व है, इसमें से y की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, y को हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। y क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज b प्लस माइनस b अपॉन a, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन लेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपके पास, required area is equal to 4 times area of first quadrant, area of the first quadrant, this is equal to 4 into 0 to a integration karenge, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू a, एंड y की वैल्यू क्या है, b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के, दिस इज dx। क्या आ जाएगा, दिस इज 4 अपॉन a इनटू b इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के dx, इसका इंटीग्रेशन, this is 4 b upon a, and ये आ जाएगा आपके पास x square root of a square minus x square by 2 plus a square by 2 and sin inverse x upon a and limit 0 to क्या है a, limit put करेंगे a put करते हैं a square minus x square, ये factor 0 हो जाएगा, total factor 0, 4 by a into b, this is 0 and यहाँ पर वैल्यू रखेंगे plus a square by 2 and sin inverse this is 1 and 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, this is equal to 4 upon a into b
एंड ये आपके पास ए स्केयर बाई टू इंटू पाई बाई टू, टू से फोर से फोर कैंसिल हो गया, बेसिकली आपके पास ए स्केयर से ए कैंसिल हो गया, पाई इंटू ए बी, एंड दिस इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स, दिस इज पाई ए बी. सो फर्स्ट आप ये देखिए कि कर्व का पोर्शन है कहां पर, कौन सी पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, और वो कैसे इंटीग्रेशन के हेल्प से एक्स को कहां से कहां तक वेरी करवा करके, या वाई को वाई कहां से कहां तक वेरी करवा करके उसका एरिया निकाल सकते हैं. लिमिट का और इंटीग्रेंड का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देखिए, स्केच द रीजन, स्केच द रीजन फोर एक्स स्केयर प्लस नाइन वाई स्केयर इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन एंड फाइंड द एरिया of the region by using integration. So देखिए curve क्या है, curve x k upon 9 plus y k upon y k upon 4 is equal to 1. It is एंड इलिप्स, इलिप्स है, सेंटर इसका कहाँ है, सेंटर एट एट 0 0 एंड मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, दिस इज 6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिस इज इक्वल टू 4. This is equal to 4. This is 4. अब क्या आ जाएगा यहां से, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. This is the ellipse and इसकी मेजर एक्सिस क्या है आपके पास, This is 6. तो सेमी मेजर एक्सिस की है, ये एक्सिस पर टू 0 लाइन है, ये एक्सिस पर टू 3 है. अगर एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू 4 इनटू एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड 4 इनटू इंटीग्रेशन से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, मींस एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है आपके पास, दिस इज y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी greater than equal to 0 होता है and y भी greater than equal to 0, तो positive sign लेंगे, so y क्या आ जाएगा, this is 2 by 3 and square root of 9 minus x square dx, x कहां से कहां vary कर रहा है, 0 से 3, this is 8 upon 3 and इसका integration होगा आपके पास, this is x 9 minus x square का square root upon 2 plus 9 by 2 and sin inverse, this is x by 3 and 0 to 3 आपके पास limit है. limit रखेंगे, अब क्या आ जाएगा, 8 by 3 and अब 3 रखते हैं, ये factor 0 हो जाएगा, 9 minus 9 and ये आएगा आपके पास 9 by 2 and sin inverse 5 by 2, sorry sin inverse 1, साइन इनवर्स 1, 0 रखते हैं, दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 3 पे कैंसिल हो गया एंड इनटू दिस इज इक्वल टू 4 पे, सॉरी
This is 12 into pi upon 2, pi by 2. This is equal to क्या आ गया? 6 pi. This is 6 pi. वैसे भी ellipse का area pi into AB होता है. यहाँ पर 2a is equal to क्या था? This is 6a is equal to 3 and b is equal to क्या? 2. So a into b, making it 6 into pi square units. This is the area. Next कह रहा है, compare the area under the curves. Compare the area under curves. एक कर दे रखा है अब तो y is equal to sin square x. This is one and y square is equal to cos square x. This is equal to second. This is second. अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं. This is y is equal to sin square x. This is x is equal to up. X is equal to zero. 0 then y is equal to 0. X pi by 6, this is 1 by 4. X pi by 2, this is 1. इस तरह से कर्व आ जाएगा pi by 2 तक है, आगे जाएगा pi के ऊपर 0. This is like similarly, x is equal to pi है, this is 0. This is x is equal to pi. And this is x is equal to 0. ये कर्व आ जाएगा. Next है, y is equal to cos kx. cos square x cos pi by 2 के ऊपर कितना हो जाता है 0 and cos 0 के ऊपर टेबल बनाते हैं. this is x and this is y. x 0 है तो y 1. this is pi by 2 है, this is again 0 and pi है तो आपके पास कितना हो जाएगा 1. ये कर्व this is the क्योंकि स्क्वेयर क्वांटिटी है y हमेशा ऊपर रहेगा. अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया a1 मान लो इसका क्या होगा? sin स्क्वेयर x dx 0 टू पाई, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. दिस इज इक्वल टू x बाय 2 माइनस sin 2x अपॉन 4 0 टू पाई. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2. अगर 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा क्योंकि sin pi 0 है, 2 pi 0. एंड यहां पर a2 क्या आएगा? दिस इज 1 plus cos 2x upon 2 dx 0 to pi and this is equal to x by 2 and plus sin 2x by 4. 0 to pi यूनिट रखेंगे, दिस इज pi by 2 and plus 0 minus 0. दिस इज equal to pi by 2. So, यहाँ पर a1 is to a2 क्या आ गया? This is equal to pi by 2 is to pi by 2. This is equal to 1 is to 1. Means equal area contained करेंगे. This will curve will have equal areas under.